आज के समय में आपको ऐसा एक घर नहीं मिलेगा जहां फैन ना हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, आप जिस फैन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इसका खोज किसने और कब किया था? ज्यादातर हम जो फैन इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 या 4 ब्लेड होते हैं और वो छत से झूले रहते हैं, जिसको हम सीलिंग फैन कहते हैं। इसका आविष्कार हुआ था अमेरिका में साल 1860 को, लेकिन उस समय फैन बिजली से नहीं चलता था। उस समय फैन पानी के प्रभाव के माध्यम से चलता था। लेकिन जब बिजली से चलने वाले सीलिंग फैन की बात आती है तो उसका आविष्कार हुआ था साल 1882 को और इसको बनाया था फिलिप डेल नामक एक आविष्कारक ने। उस समय फैन को फिलिप के नाम से ही जाना जाता था। बिजली से चलने के कारण इसका खर्चा पानी से चलने वाले फैन की तुलना में बहुत कम था। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।